नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोग जैक बोर्ड का 10th क्लास 10th के लिए मैथ का चैप्टर वाइज सारे सेट का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो वास्तविक संख्या का हमने डिस्कशन कर दिया था। आप यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप उसे पहले देख सकते हैं, या फिर इसे पहले देख लीजिए फिर बाद में देख लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुपद के सारे क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। कौन से चैप्टर के? बहुपद के। जो सेट 1 से सेट 5 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पहले से ही पता है कि MCQ क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। बहुपद से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके पास, ठीक है। आप जैसा कि मॉडल पेपर सेट में दिया गया है, और वास्तविक संख्या से कितने क्वेश्चन थे? 4 क्वेश्चन थे। तो आपके पास विकल्प रहेंगे, 4 विकल्प रहेंगे, उसमें से कोई एक ही आंसर होगा। आप यदि गलत आंसर टिक करते हैं तो आपका उसका मार्क्स नहीं काटा जाएगा। तो हम लोग बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला सेट बहुपद का, उसका क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा आपसे द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योग √2 तथा गुणनफल 1/3 है। गुणनफल 1/3 है। तो सबसे पहले तो आपके पास मैं बता दूं कि जो द्विघात बहुपद होता है वो इस फॉर्मेट का होता है, ax2 + bx + c, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्विघात बहुपद में घात कितना होता है? अधिक से अधिक 2 होता है। और ये जो द्विघात बहुपद है इसके यदि हम शून्यक मान लेते हैं, 2 शून्यक हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, α+α और β। तो यहाँ से मैं यदि शून्यकों का योग निकालता हूँ, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ, वो आता है -b/a, और यदि मैं α×β निकालता हूँ तो वो आता है हम लोग के पास, जिसे हम लोग बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, वो कितना आता है, c/a। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? शून्यकों का योग दिया गया है √2 और गुणनफल दिया गया है 1/3। तो देखिए, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये इस फॉर्मेट का होता है, x-α और x-β। x के 2 वैल्यू आते हैं, अल्फा और बीटा। यदि हम इस दोनों को कंबाइंड करके लिखते हैं तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करने पे आता है x²-α(x) और -β(x). तो -x यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग आता है α+β + α×β बराबर आएगा 0। तो आपके पास जो है शून्यकों का योग मतलब α+β दिया गया है √2, और गुणनफल मतलब α×β वो दिया गया 1/3। तो इसके जगह हम लोग पुट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, x²-x√2+1/3 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 3 नीचे में है तो हम क्या करेंगे, 3 LCM ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा 3x²-3√2x + 1 = 0। ये 3 बराबर तो उधर जाएगा तो 0 ही रहेगा, 3x²-3√2 है ये, 3√2x + 1 = 0। तो बहुपद पूछा गया था तो बहुपद को हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3x²-3√2x + 1, ये हो जाएगा आपका बहुपद। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से चेक कर लीजिए। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि अल्फा प्लस बीटा कितना आने वाला है, -b/a आता है, तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अब देखिए b किसको बोल रहे हैं हम, जो x के साथ गुना किया गया, a किसको बोल रहे हैं जो x² के साथ गुना किया गया। तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल के देख लीजिए, जैसे इसमें अल्फा प्लस बीटा आप निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास आता है -b, तो b कितना लिखा हुआ है, 3√2 / a, a कितना है यहाँ पे 3 है, 3 और 3 कट गया, बचा कितना, -√2। आपका दिया कितना था, √2, मतलब ये तो a नंबर होगा नहीं। b नंबर में देखिए तो पहला तो हुआ नहीं, तो आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा इसमें चेक करते हैं तो था -b/a, तो माइनस तो पहले से था, और b में देखिए b में -3√2 लिखा हुआ, तो -3√2 / a, a क्या होता है, जो x² के साथ गुना किया हुआ रहता है, तो ÷3। तो यहाँ देखिए 3 और 3 कट गए और माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा आया √2, मतलब α×β भी। अब इसका चेक करते हैं हम लोग, α×β क्या होता है, c/a, तो c कितना है यहाँ पे 1, और a कितना है यहाँ पे 3, तो c/a कितना हो गया 1/3, तो α×β भी 1/3 आ गया, मतलब आपका आंसर b होगा। या तो आप इस तरह से चेक कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से चेक कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है आपके पास।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अभी आपको मैंने बताया कि अल्फा प्लस बीटा जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, माइनस बी बाय ए के बराबर। बी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है और एक्स ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। और इसके साथ आप ये भी जान लीजिए कि शून्यकों का गुणनफल जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो क्या होता है, सी बाय ए होता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाय। किसी बहुपद के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो आप यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ग्राफ जो है वो जितनी बार एक्स अक्ष को काटता है उतने शून्यकों की संख्या होती है। ग्राफ जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उतने शून्यकों की संख्या, जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उतनी शून्यकों की संख्या होगी, उतनी शून्यकों की संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या उतनी होगी यदि बोला जा रहा है, तो आप यहाँ पे गौर कीजिए किस अक्ष को बोला जा रहा है, एक्स अक्ष को बोला जा रहा है। तो आप यहाँ पे ग्राफ देखिए, ये है आपका एक्स अक्ष और ये है आपका वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष को ग्राफ काट ही नहीं रहा है, ये किसको काट रहा है, वाई अक्ष को काट रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या एक भी बार नहीं काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो। सेट वन हो गया, अब हम लोग अगले सेट की ओर बढ़ते हैं, सेट टू। इसमें क्या बोला है, यदि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल आठ है तब इसके शून्यक हैं। तो इसके कितने, कौन कौन से शून्यक होंगे, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया, आठ दिया गया है। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल जैसे एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ए दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अभी मैंने बताया कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा और वो होते हैं माइनस बी बाय ए। तो आप यहाँ पे गौर कीजिए, बी जो है वो है माइनस नाइन, एक्स के साथ गुना किया हुआ है माइनस नाइन, और ए जो है वो कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब है वन। तो अल्फा प्लस बीटा कितने हुए, नाइन। और शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा वो कितने दिए गए हैं, ए, मतलब वो होता है सी बाय ए। तो यहाँ पे है सी के जगह ए और यहाँ पे है वन, तो मतलब ए बाय वन, और वो कितना दिया गया है आपको, एट दिया गया है। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है, नाइन, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, एट, ठीक है। तो इसके कौन कौन से शून्यक होंगे, अब यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बिना सॉल्व की आसानी से। देखिए आप इसको चेक कीजिए कि शून्यक दो हैं, तो इस दोनों को यदि हम गुना करते हैं तो आठ आ जाएगा, लेकिन यदि हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस नौ आएगा। लेकिन ये बोलता क्या है, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, नौ आना चाहिए। यहाँ पे देखिए गुना करेंगे तो माइनस एट आएगा, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्या होगा, ये। क्यों, क्योंकि वन इंटू एट कितना होता है, एट होता है, और 1 प्लस 8 भी कितना होता है, 9 होता है। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसमें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आसानी से आप बता सकते हैं कि इसका आंसर होगा 1 और 8। इसमें आप देखिए माइनस 1 गुना 8 कीजिएगा तो माइनस 8 आ जाएगा, ये ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1 गुना माइनस 8 कीजिएगा तो यहाँ भी माइनस 8 आ जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं, तो इसका आंसर कितना होगा, डी। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक हैं तब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू कितना होगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, बहुत सिंपल सवाल है, मैं फिर उसी तरह से सॉल्व करूंगा। इसे दिया क्या गया है, इसमें अब गौर से देखिए, तो अल्फा और बीटा दिए गए हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया गया है, ये बहुपद है आपके पास। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होते हैं वो होते हैं माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस 2 बाय 1, और जो अल्फा इंटू बीटा होते हैं वो होते हैं सी बाय ए, मतलब 1 बाय 1। देखिए यहाँ पे इसको कंपेयर किसे किया जा रहा है, आप ये भी ध्यान रखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है उसे बोलते हैं 1, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। एक्स स्क्वायर से जो रहता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ए। एक्स के साथ जो रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बी। और जो स्थिर रूप में रहता है, जो अचर रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सी। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको पूछा क्या गया, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा।
थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एलसीएम लीजिए तो आपका आएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ऊपर में बचेगा बीटा प्लस अल्फा, मतलब आपके पास आया है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, मतलब आपसे पूछ रहा है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास आया है माइनस टू और अल्फा इंटू बीटा आया है वन, तो उसे आप यहाँ पे पुट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस टू और अल्फा इंटू बीटा वन, तो माइनस टू बाई वन कितना होता है, माइनस टू ही होता है, तो आपका आंसर माइनस टू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो देखिए क्या बोलता है, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो हमने पढ़ा था, अभी आपको बताया था कि ग्राफ x अक्ष को जितनी बार कट करेगी उतने शून्यक होंगे, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कितनी बार कट कर रही है, देखिए एक बार, फिर यहाँ पे दो बार, फिर यहाँ पे तीन बार, फिर यहाँ पे चार बार, ग्राफ एक्स अक्ष को चार बार कट कर रही है, चार बार काटती है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, चार। तो चार कौन सा ऑप्शन है, ए। इस तरह से अब हम लोग अगले सेट की ओर बढ़ते हैं, सेट थ्री। द्विघात बहुपद के शून्यक हैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स के शून्यक हैं, इसके शून्यक कौन कौन से हैं। तो पहला देखिए, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स शून्यक बोला है तो मतलब इसको बराबर जीरो के बराबर करना है। तो आपको मिडिल फैक्टराइजेशन यदि आता होगा तो मिडिल फैक्टराइजेशन देखिए, आप पहले पढ़ चुके हैं क्लास नाइन में, तो मिडिल फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लाना रहता है, मतलब गुना करके आपको लाना है छः, तो गुना करके आपको लाना है छः, आप ध्यान में रखिएगा मल्टीप्लाई करके लाना है छः, और यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का, ऐड करके आपको लाना है फाइव, ऐड करके लाना है फाइव, तो थ्री प्लस टू होते हैं फाइव, तो हमें मिल गया फैक्टराइजेशन, इसे लिख सकते हैं हम लोग थ्री प्लस टू इंटू एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर थ्री एक्स और बाहर में माइनस, तो माइनस थ्री एक्स, और टू एक्स और बाहर में माइनस, तो माइनस टू एक्स प्लस सिक्स बराबर हो जाएंगे जीरो। इस दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेंगे एक्स माइनस थ्री, और इस दोनों से यदि हम माइनस टू कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेंगे एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो। अब देखिए x माइनस थ्री इसमें भी है और x माइनस थ्री इसमें भी है, तो x माइनस थ्री को हमने यहाँ से ले लिया है कॉमन, आपके पास बचेंगे यहाँ से x और यहाँ से बचेंगे माइनस टू, तो x माइनस टू बराबर जीरो। अब यहाँ से क्या आया हमारे पास, या तो x माइनस थ्री जीरो होगा या फिर x माइनस टू जीरो होगा, तो यदि आप x माइनस थ्री बराबर जीरो सॉल्व करेंगे तो आएगा x बराबर थ्री, और x माइनस टू को जीरो सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x बराबर टू। तो आपके पास एक आंसर आया थ्री और एक आया टू, जो एक ही ऑप्शन दिखता है आपको उसका आंसर है सी। आप इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे कि आप जो वैल्यू दिया गया है उसे आप पुट करते ऑप्शन में और आप देखते कि किस में वैल्यू इसका जीरो आ जा रहा है, वो उसके शून्य हो जाएंगे, तो आपका आता सी नंबर, टू रखते तो भी जीरो आ जाता और थ्री रखते तो भी जीरो आ जाता। देखिए टू रखते तो किस तरह से जीरो आता, यहाँ पे हो जाता टू रखने पे फोर माइनस फाइव इंटू टू हो जाता टेन, और प्लस सिक्स टेन माइनस टेन हो जाता जीरो। इस तरह से हम लोग आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या बोलता है, यदि बहुपद के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हों तब ए कितना होगा। ये जो बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी बराबर जीरो, इसका शून्यक जो है वो बराबर हैं लेकिन विपरीत हैं, मतलब एक शून्यक को यदि हम अल्फा मानते हैं तो दूसरा शून्यक अल्फा है लेकिन विपरीत साइन के हैं, मतलब माइनस अल्फा हैं, तो ए का मान कितना होगा। तो देखिए हम लोगों को पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे b का काम करेगा a। देखिए यहाँ से आप कंपेयर कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से, तो यहाँ पे b का काम करेगा a, तो माइनस यहाँ पे होगा हमारा a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की जगह वन, तो अल्फा और माइनस अल्फा हो जाएंगे जीरो, तो जीरो बराबर आया आपके पास माइनस a, मतलब a बराबर आ गया आपका जीरो, तो a किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है बहुपद की संख्या क्या होगी। फिर से वही क्वेश्चन, तो बहुपद के शून्यकों की संख्या निकालने के लिए हम बोलते हैं कि एक्स अक्ष को कितने बार काटती है, तो एक बार काट रही है और दूसरी बार दो बार काट रही है, तो दो बार यदि काट रही है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, सेट फोर।
द्विघात बहुपद शून्यकों का योग क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट किया गया है। क्यों मिसप्रिंट किया गया है? द्विघात बहुपद दिया ही नहीं है और आपसे शून्यकों का योग पूछ रहा है। तो मैं फिर से बता देता हूं, आपको मैंने बताया ही था कि यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टाइप के दिए गए हैं तो इनका जो शून्यक होगा उनका जो योग होगा अल्फा प्लस बीटा वो होते हैं माइनस बी बाय ए और जो अल्फा इंटू बीटा होते हैं वो होते हैं सी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। बी जो है वो क्या है? एक्स के गुणांक, ठीक है, एक्स के गुणांक। ए जो है वो क्या है? एक्स स्क्वायर के गुणांक। और जो सी है वो क्या है? अचर है। सी जो है वो क्या है? अचर पद है। तो उसमें द्विघात बहुपद दिया ही नहीं है तो हम लोग शून्यकों का योग नहीं निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो शून्यकों का योग आपके पास दिया गया, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 4 और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है आपके पास 1। तो आप चेक कर लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा किसमें 4 आ रहा है और अल्फा इंटू बीटा किसमें 1 आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। तो यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन को ध्यान से देखिए, आपको अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय तो माइनस वाले से और यहाँ पे माइनस 4 दिखा आपको, तो ये आप यहाँ पे माइनस 4 रखते हैं और ए की जगह यहाँ पे 1 तो डिवाइडेड बाय 1 तो ये हो जाएगा 4 और अल्फा इंटू बीटा ध्यान से देखिए तो होते हैं सी बाय ए तो 1 बाय 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1। तो आपका आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सी हो गया आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। या फिर आप लोग इस तरह से सॉल्व कर लीजिए कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, जब हम लोग इसको सॉल्व करते थे तो हम लोग के पास आता था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, जिसे हम लोग बोलते हैं शून्यकों का योग और साथ में शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा दिया गया आपके पास 4 और अल्फा इंटू बीटा दिया गया 1। तो यहाँ से भी आप लोग आसानी से इसे हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन फिर से वही है कि ग्राफ की आकृति दी गई है और बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछी जा रही है। तो एक्स अक्ष को एक बार काटती है तो एक शून्यक होंगे, दो शून्यक नहीं करना है। ये देखिए वाई अक्ष को कट कर रही है, एक्स अक्ष को जितने बार कट करती है उतने शून्यक होते हैं। अब लास्ट सेट बचा हुआ हम लोग का सेट 5, उसमें देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या है? तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा जो होते हैं सी बाय ए, मतलब अचर पद, तो अचर पद इसमें कितने हैं 2 और ए, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो कितने हैं 1, तो 2 बाय 1 मतलब होता है 2। तो आपका आंसर हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल 2। यही यदि शून्यकों का योग पूछा रहता है इसमें तो होता अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी तो मतलब माइनस और बी क्या होता है एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स के साथ जो लिखा हुआ है तो वो 7 डिवाइडेड बाय 1। यदि अल्फा प्लस बीटा पूछता तो आपके पास आता 7 बाय 1, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? शून्यकों का गुणनफल। ध्यान रखिए आपका ऑप्शन भी दिया गया है -7, शून्यकों का योग टिक नहीं लगा के आ जाना है। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा जो 2 आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है तो द्विघात बहुपद क्या होंगे? तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, इसे बोला था हमने, याद कर लीजिए आप। तो यदि आप देखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना दिया गया 3, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया -2। तो इसे यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग के पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब इस ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, मिल जाएगा आपको ऑप्शन सी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। अगला क्वेश्चन, किसी बहुपद के लिए ग्राफ आकृति दिया गया, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी? कितने बार कट कर रहा है खोजिए एक्स अक्ष को, 1, 2 और 3। एक्स अक्ष को इस ग्राफ ने 3 बार कट किया, 3 बार काट रही है, इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ये रहा हम लोग का बहुपद का भी सारे सेट्स का क्वेश्चन का डिस्कशन। अब हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और हाँ, एक और बात, यदि आपने वास्तविक संख्या का पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए। आपको वास्तविक संख्या और बहुपद का जो डाउट, मतलब जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन है, वो सारे आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।